सुप्रीम कोर्ट के पटाखा बिक्री पर रोक लगाने के बाद काफी वाद विवाद हुआ। कुछ लोगों ने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि इससे दिल्ली की हालत में सुधार आएगा, प्रदूषण कम होगा। वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो इस फैसले से नाखुश थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन ठुकरा सकता है, तो बैन जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बैन सिर्फ पटाखा बिक्री पर लगाया, पटाखे फोड़ने पर कोई बैन नहीं था। तो क्या था, दिल्ली वालों ने दिल्ली के बाहर से पटाखे मंगाए और जमकर दिवाली मनाई। क्या ये बैन दिल्ली के लिए सही था? क्या इस आदेश में कुछ बदलाव किए जा सकते थे? क्या दिल्ली वाले इस फरमान को अपनाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे रिपोर्टर गौरव ने सीधा दिल्ली के लोगों से राय ली। आइए चलते हैं उनके पास। दोस्तों स्वागत है आपका यार न्यूज में, मैं हूँ गौरव गुप्ता और आज मैं नई दिल्ली से मौजूद हूँ और हम यहाँ पे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पटाखा बैन के बाद दिल्ली के लोग दिवाली किस तरह मना रहे हैं। क्या वो अभी भी पटाखे फोड़ रहे हैं? क्या वो इस फैसले से खुश है? आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया, मैं क्या आपसे जान सकता हूँ कि आपने ये पटाखों कहाँ से लाए? आप पटाखे ऑर्डर आया था ना, उससे पहले ही ले लिए थे, अब पिछले साल के भी हमारे बचे हुए थे। तो सर आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का बैन जो है सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का जो बैन आया है फेस्टिवल के एंड मौके पर आया है। हम यहाँ पर नीलम जी के साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है मैम पटाखों पर, उन्होंने बैन लगा दिया, तो आप इस फैसले से खुश हैं? आपकी दिवाली इस बार कैसी मन रही? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं, जो उन्होंने ये बैन लगाया है हम इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे जो है इस बार शांति से हम दिवाली मना पा रहे हैं। हम पहले पूजा करते थे, कोई मंत्र कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं या कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसकी हमें बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी पटाखों की आवाज़ में। तो इस बार हम आराम से पूजा कर सकेंगे और पॉल्यूशन भी बहुत कम हो रहा है। ये थी दिल्ली के लोगों की राय। हमने दिल्ली के लोगों से बातचीत करी और उनसे जाना कि सुप्रीम कोर्ट के पटाखे बैन के बाद लोग दिवाली कैसे मना रहे हैं। लोगों ने कई लोग अभी भी पटाखे जला रहे हैं और कई लोग खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बैन करके दिवाली के त्यौहार को एक नया मीनिंग दिया है। इसी के साथ यार्न टीवी की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।